देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधान रहने और सभी जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दुनिया की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए नॉर्वे में आंशिक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। महाराष्ट्र में कल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ। मंगलवार को मुंबई में ओमिक्रॉन के साथ और वसई विरार में एक संक्रमित मिलने से महाराष्ट्र में नए वेरिएंट का संक्रमण तेज होने का खतरा बढ़ गया है। जो नए केस मिले हैं उनमें से कोई विदेश नहीं गया था। 8 नए संक्रमितों में 7 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी। इस बीच महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के कुल 684 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में 8 ओमिक्रॉन केस तो दिल्ली में भी मंगलवार को 4 नए मामले सामने आए। 4 नए केस आने के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के 6 मामले हो चुके हैं। इन 6 में से एक मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। 5 मरीज दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं और सभी की हालत स्थिर है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 61 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी हालत कंट्रोल में है, अगर फैलता है तो सरकार फिर से देखेगी। अभी तक कम्युनिटी स्प्रेडिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। विदेशों से एयरपोर्ट के जरिए आए कुल 74 में से 38 LNJP अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 35 कोरोना संक्रमित हैं। 3 लोगों की अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पूरी सावधानी बरतने के साथ कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। दक्षिण अफ्रीका से निकला कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 71 देशों में फैल चुका है। 71 देशों में 8,500 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन में सबसे ज्यादा 3100 मरीज ब्रिटेन में मिले हैं, जबकि डेनमार्क में 2400, नॉर्वे में 900 से ज्यादा और दक्षिण अफ्रीका में 779 केस है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की पॉजिटिविटी रेट 28% है। कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण को लेकर वैज्ञानिकों में अभी भी एक राय नहीं बनी है। इसराइल अमेरिका में बूस्टर डोज लगने के बाद भी लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। हालांकि अभी तक के परीक्षण से पता चला है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं है। करीब महीने भर में दुनिया भर के डेटा में ये बात सामने आई है कि 8,000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ एक की ओमिक्रॉन से मौत हुई है। नीति आयोग के सदस्य और भारतीय कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बदलती परिस्थिति के बीच हमारी वैक्सीन भी कमजोर साबित होने लगे। ऐसे में अब ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो नए नए वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार रहे। उन्होंने कहा कि महामारी के बदलते स्वरूप को देखते हुए विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कहा है कि देश में 6 महीने के भीतर 3 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से बच्चों के नोवावैक्स वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे आए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ओमिक्रॉन के हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल कमर्शियल इंटरनेशनल उड़ान पर 31 जनवरी तक रोक है। इस बीच 20 दिसंबर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर हाई रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।